अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में घर से कोचिंग जा रहे दो छात्र को ऑटो चालक सहित तीन लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। इस दौरान साहसी बच्चों ने ऑटो से कूदकर जान बचाई है। दरअसल दो छात्रों के अपहरण के प्रयास के मामले में बच्चों के परिजन और किसान नेताओं ने एसपी सिटी ऑफिस पहुंचे और परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में ऑटो मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पहुंच नहीं रही पकड़ने को, आप देखे पुलिस पहुंच नहीं रही वहां पर और एक एक घंटे तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। अब उसके बाद में अधिकारियों से कह रहे हैं, अधिकारियों को संज्ञान में नहीं है, थाना इंचार्ज सुन नहीं रहा, चौकी इंचार्ज कह रहा है साइकिल से जाना चाहिए, टेम्पो से क्यों जाते हो, और एसपी सिटी साहब कह रहे हैं जब आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो आप जाकर के उनसे। संजीव, क्या हुआ था बेटा, कल ये बताइए। कल हम दोनों रॉयल के पास खड़े हुए टेम्पू का इंतजार कर रहे थे, तब हमारी गली में से ही एक टेम्पू निकला था और ये उस टेम्पू से हमने बोला मेलो उस पर जाना है, तो इसने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। उसमें तीन जने थे और बापू धाम वाली गली जो है वहाँ पे हम गए, तो उसमें वो बोल रहे थे कि अभी खाना खा के आ रहे हैं हम, तो वहीं पे उनने बापू धाम की गली में हमें तीन चार चक्कर कटवाए थे। फिर हम खेतों वगैरह में से होके फिर एक चिकावटी की तरफ लॉज है उस वहाँ पे गए। हम पहले ये कौन गए थे, हमने बोली कि अंकल रोको, तो उनने म्यूजिक की आवाज़ तेज कर दी। हम वो पहले ये कौन गए, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था उनने, मैंने उनका हाथ काट के फिर भागा, मैं भी कूद गया था। कितने लोग थे बेटा? तीन लोग थे। क्या बजे घटना हुई तकरीबन? क्या बजे? तीन बजे हम बैठे थे यहाँ पर, सवा तीन तक उसने घुमाया था। क्या आप लोगों का अपहरण करके ले जा रहे थे? यस। किस विद्यालय के छात्र हो? और मैं जेएमडी एकेडमी। आज शाम थाना बन्ना देवी पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसका पुत्र तथा उसका एक साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से एक ऑटो रिक्शा में कोचिंग जो कि मेलोज के पास है में जाने के लिए बैठे, तो ऑटो जिसमें चालक के अतिरिक्त तो उसके साथ दो अन्य उसके साथी बैठे हुए थे ने इन लड़कों को कोचिंग की तरफ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। विरोध करने पर चालक और उसके साथियों द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया तथा दोनों लड़के ऑटो धीमे होने पर कूदकर वहां से निकल गए तथा अपने माता पिता को इस संबंध में सूचना दी। तहरीर के आधार पर पे मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्नू जो कि ऑटो मालिक तथा ऑटो में उस समय बैठा हुआ था को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त नितिन और एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी।